histones they are very important group of proteins and their modifications that plays a vital role in, can, in cancer detection as well as in the tumor studies now in this segment we will discuss that how histone modifications they affect the cancer detection and the tumor detection in the human beings now histone code that is a hypothesis there is a hypothesis which described that the transcription of genetic information which is encoded in the dna is in part regulated by chemical modification to histone proteins and primarily देयर अनस्ट्रक्चरल एंड जो उनके अनस्ट्रक्चरल एंड्स हैं हिस्टोन के उनकी जो मॉडिफिकेशन हो जाती है दैट इज नोन एज द हिस्टोन कोड इसको हम कहते हैं हिस्टोन कोड मैं फिर रिपीट करता हूं द हिस्टोन कोड इज ए हाई पोथेसिस दैट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसक्रिप्शन जो होती है इनकोडेड इन द डीएनए दैट इज रेगुलेटेड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन केमिकल मॉडिफिकेशन जो है ये उसकी उसको रेगुलेट करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं नो हिस्टोन कोड विल डिफर डेफिनेटली ये डिफर होगा किस तरह डिपेंडिंग अपॉन द रीजन ऑफ द क्रोमैटन क्रोमैटन जो है क्रोमोसोम का जो क्रोमैटन है उसके किस रीजन के साथ है देन द सेल टाइप किस तरह का सेल है एंड द टिश्यू टाइप इस तरह का टिश्यू है एट द एंड एट द सेम टाइम द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ ए सेल के सेल की जो एक्सटर्नल कंडीशन हैं वो क्या हैं उसमें फिर हेस्टोन कोड विल डिफर हैस्टोन कोड क्या है दैट इज द जीन इज मॉडिफाइड आर इज रेगुलेटेड हिस्टोन जो है बाई द केमिकल मॉडिफिकेशन तो अब ये जो हैस्टोन कोड ये डिफर होगा आल्टर पैटर्न ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन हिस्टोन के जो पैटर्न हैं जो प्रोटीन के आल्टर डिफरेंट पैटर्न हैं उनकी जब मॉडिफिकेशन हो जाएगी इन कैंसर सेल दैट कैन बी सॉट बाय वेरियस वेज वो उसकी मॉडिफिकेशन को हम मुख्तलिफ तरीके से ढूंढ सकते हैं वी कैन फाइंड आउट एंड देन वी कैन डिटेक्ट द ट्यूमर्स पहले क्या है जी लेट्स डिस्कस एसीटलेशन ऑफ ए स्टोन एच फोर

जो है उसको हमें डिटेक्ट करना है उसको देखना है देन मोनो एसीटेलेटिड के सिक्सटीन एच फोर इज क्या है इज कॉमनली रिड्यूस्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स एंड लोअर लेवल ऑफ ए सी के ट्वेल्व एच फोर इज एन इंडिकेशन ऑफ रेक्रंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर अगर हम इस सेगमेंट को ए सी के वन ट सी वन टू एच फोर अगर ये इंडिकेट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है उसकी रिकरेंस हो रही है वो दोबारा हो सकता है पॉसिबिलिटीज आर देयर देन आल्सो द एक्सपोजर ऑफ कार्सोजेनिक निकल निकल इज अ वेरी कार्सोजेनिक एलिमेंट एंड दिस इंड्यूसेस ए ह्यूज डिक्रीज इन हिस्टोन एसिटिलेशन ये एसिटालेशन को कम कर देता है उसमें डिक्रीज कर देता है और इंडिकेट करता है कि जो है हिस्टोन उसमें क्या चेंजेस है हिस्टोन एच फोर मॉडिफिकेशन दैट इज ऑल्सो ट्राई ऑफ के ट्वेंटी एच फोर विच इज़ एनरिच्ड इन द डिफरेंशियल सेल जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनमें क्या है के ट्वेंटी एच फोर And it, it is increased with age and is commonly reduced in the cancer cell. Cancer cell is reduced with age, decrease in the differential cell, increase Now, recently it has been found that the low level of acetylation at the lysine 9 and 18 of histone. जो उसमें एटीन और नाइन के सेगमेंट है दैट एच थ्री दे आर एसोसिएटेड विद हाई रेकरेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर जो प्रोस्टेट कैंसर है उसकी हाई रेकरेंस इसमें होती है इन द अदर स्टडी हिस्टोन एच थ्री एसीटलेन हैज बिन फाउंड टू बी रिड्यूस्ड इन ह्यूमन क्लोन प्राइमरी ट्यूमर्स एंड इन सेवरल ह्यूमन clone cancer cells right so we saw that how the different acetylation different places of acetylation different uh, codons of acetylation they affect the human cancer detection the human uh, tumor cell detection and what are the different stages where they are used to detect these